यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस समय जहां हम खड़े हैं ये वालियु वसई ईस्ट के वालियु का खैरपाड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्र वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति एफ के अंतर्गत आता है, जहां आप देख सकते हैं यहां एक खैरपाड़ा की ये जो स्थिति है, यहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, पीछे की तरफ रहवासी बस्ती है और यह जो प्लॉट है, इस प्लॉट की आप हालत देखिए, किस तरह से इस प्लॉट को एक डंपिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। महानगर पालिका के सफाई कामगार पिछली बार कब यहाँ आए होंगे ये शायद कह पाना मुश्किल है। पीछे मैंने जैसे भी बताया, बस्ती है, आप लगातार देख रहे हैं पब्लिक की आवाजाही इस रास्ते से लगातार बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही नहीं, घातक हो सकता है। यहाँ बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी इस इंडस्ट्री से आना जाना, इस रास्ते से उनका आना जाना है, लेकिन इस कंडीशन में जिस तरह से यहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ कचरा है। ये शायद कंपनी से निकले हुए कमोड तक यहाँ डाले हुए हैं। और जैसा मैंने अभी बोला कि आखिरी बार यहाँ सफाई कामगार कब आए होंगे ये नहीं मालूम। परदेसी साहब, आपने इस जगह का लेकर कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, क्या विषय है बताइए? विषय ऐसा है कि स्थिति वो आपके कैमरा के सामने है। मैंने कई बार इस बारे में महानगर पालिका स्थानिक नगर सेवक को सूचित किया था पत्र द्वारे कि इस तरह से कपड़ा कचरा फेंका गया है, कचरा का यहाँ डंपिंग ग्राउंड जैसा निर्माण हुआ है, मगर पत्रों देने के बाद भी बावजूद भी उन्होंने इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं किया है, न कि कचरा को साफ सफाई कर पाया है। ये क्षेत्र का नाम क्या है? ये खिरपरा आता है, ये एफ है और इसका प्रभाग बोर्ड क्रमांक तो 72 है। यहाँ से हमेशा लोग सुबह से लेकर रात तक काम करने वाले आना जाना हमेशा लगा रहता है और उनको इस प्रकार से अनेक प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, मगर महानगर पालिका आँखें बंद करके ये सारे तमाशा देख रहे हैं। यहाँ के स्थानिक नगर सेवक, महानगर पालिका आयुक्त, तो यहाँ सहायुक्त, तो उनको कई बार हमने पत्र द्वारा सूचित किया था कि यहाँ जो कचरा है जिसमें बीमारी की होने का ज़्यादा भय है, लोगों को डर है लोगों को, मगर प्रशासन के तरफ से इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ना कि सफाई कामगार आकर इसको स्वच्छता करना, साफ करना। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के बोलते हैं कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत साफ सफाई होना जरूरी है, देश को निरोगी रखना है, मगर वो किस प्रकार की है स्वच्छता है? आपका सीधा आरोप है कि वसई विरार महानगर पालिका जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री था, उनके कथन का भी मतलब मान नहीं रखती? नहीं, उनके कथन का भी मान नहीं रखते। प्रधानमंत्री जी ने कई बार समाचार के माध्यम से यहाँ उनको लोगों को एडवर्टाइजिंग में हो रहा है कि स्वच्छता रखना जरूरी है निरोगी रहने के लिए, मगर जनता की कोई दोष नहीं है, उनको कचरा रखने के या डालने के कोई साधन नहीं किया है और ये सारे अनलीगल बांधकाम हुआ जिसके कारण ये सारी स्थिति निर्माण हुआ है। आपके पीछे एक एड भी लगा हुआ है, उस पर भी नजर पड़ा है, स्वच्छ आदत स्वच्छ नहीं भारत। मैं कहना चाहता हूँ कि इसके बाजू में भी कचरा स्वच्छता भारत, यही स्वच्छता भारत है कि हमें देखने को मिलता है कि ये स्वच्छता भारत है। और तो और अभी कहना चाहता हूँ आपको मीडिया के माध्यम से आपका कि उसके बाजू में चिक्की कंपनी है जहाँ चिक्की तैयार होता है और बाहर पूरे दुकान में होलसेल पार्सल होता है, मगर इतने बैक्टीरिया हैं यहाँ, गंदगी है, उसके बावजूद भी यही कंपनी यहाँ किस तरह से इनका धंधा कर रहा है, प्रशासन को या महानगर पालिका आयुक्त को उनको कोई जानकारी नहीं है शायद, और जानकारी है तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं यही प्रशासन को या महानगर पालिका को मैं आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द ये कचरे को उठाना और साफ सफाई करना, DDT पाउडर छिड़कना, कीटनाशक दवा डालना, और जो यहाँ की जो चिक्की कंपनी है, अनलीगल चिक्की कंपनी बना हुआ है, उस पर उनको कार्रवाई करना, उन पर यही मैं आग्रह करता हूँ। कि दिया तले अंधेरा, ये कहावत मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस कहावत को समझने के लिए आपको हमारे पीछे लगा वो बोर्ड जो है उसको देखना पड़ेगा। इस बोर्ड पे लिखा है स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, लेकिन उस बोर्ड की हालत यह हो चुकी है, उस एड की हालत यह हो चुकी है कि वो भी बराबर से दिखाई नहीं दे रहा है, मिट गया है। और कितना स्वच्छ है
ये आप ज़मीन पे देखिए, इसी वीडियो में आपको दिख रहा है, यानी कि जो जाहिरात लगाया गया उसके नीचे की क्या कंडीशन है वो आप खुद ही देखिए। उसके लिए मैं फ़िलहाल निःशब्द हूँ, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसा हमने अभी आपका ध्यान इस ओर खींचा, एक नहीं कई ऐसे एड यहाँ एडवर्टाइजमेंट लिखे हुए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है, ये एडवर्टाइजमेंट किसने लिखे है ये विषय अलग है, लेकिन महानगर पालिका से तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको इस तरह के एडवर्टाइजमेंट लगाने चाहिए। लेकिन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट के लिए इस यहाँ पर स्वच्छता बनी रहे उसके लिए जगह जगह डब्बों का रखा जाना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस करना चाहिए, और एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार यहाँ पर स्वच्छता मुहिम ली जानी चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे कमलाकर परदेसी साहब से, जिन्होंने एक बात कही और वाकई में ये बात सोचने जैसी है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बार बार एक चीज़ को बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, कहाँ है वसई में स्वच्छ भारत अभियान, कहाँ गया स्वच्छ वसई हरित वसई, न स्वच्छता रही है न हरितता रही है। एक तरफ जहाँ वसई में कचरों का ढेर लगाया है हर जगह पे अलग अलग, तो वहीं दूसरी तरफ वसई में जाड़ों को अनगिनत जाड़ों को काटा जा रहा है। महानगर पालिका ध्यान दे, आयुक्त साहब से कहूँगा कि वो अपना विशेष लक्ष्य दे। अभी जब हरित लवादा से महानगर पालिका को फटका भी पड़ चुका है, उसके बावजूद महानगर पालिका की स्थिति यह है। इतना ही कहूँगा और आज के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।